मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 28 दिसंबर 2022 बुधवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। कई देशों में कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए प्रदेश सरकार भी अलर्ट मोड पर काम करना शुरू कर दिया है। सोमवार को मुख्यमंत्री गहलोत ने कोरोना की समीक्षा बैठक लेकर विभाग के अधिकारियों और विशेषज्ञों से प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था और कोरोना के खतरे की स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा है कि पब्लिक प्लेस में मास्क जरूर पहने। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, कोरोना की पहली नोजल वैक्सीन को मंजूरी देने के 4 दिन बाद केंद्र सरकार ने इसकी कीमतें भी तय कर दी है। भारत बायोटेक की यह वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में 325 रुपए में लगवाई जा सकेगी। वहीं प्राइवेट अस्पतालों में इसके लिए 800 रुपए चुकाने होंगे। सरकार ने यह भी कहा है कि जिसने 3 डोज ले लिए हैं उन्हें अतिरिक्त डोज की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 ही डोज पर्याप्त है। और आपको बता दूं, देश की पहली नेजल कोविड वैक्सीन इंट्रो नेजल राजस्थान में जनवरी के 4th हफ्ते में उपलब्ध हो जाएगी, जो 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए बूस्टर डोज के रूप में लगाई जाएगी। दूसरी बड़ी खबर, राजस्थान में सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम पेपर लीक होने के बाद से ही गहलोत सरकार की किरकिरी हो रही है। इस मामले को लेकर भाजपा लगातार हमलावर हो रही है और प्रकरण की जाँच CBI से करवाने की मांग पर अड़ी है। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने जाँच एजेंसियों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि प्रकरण में गहलोत के खास मंत्री भी शामिल है, इसीलिए सरकार कार्यवाही से डर रही है। मीणा ने तो यह तक कह दिया कि पेपर लीक में कांग्रेस सरकार के 3 मंत्री और 5 विधायक भी शामिल है, इसीलिए सरकार निष्पक्ष जांच नहीं करवा पा रही है। मीणा ने कहा है कि इस पूरे प्रकरण की जांच CBI से करवाई जाए, अन्यथा मजबूरन कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में भारी बिजली कटौती की मार झेल रहे लोगों के लिए थोड़ी सी राहत वाली खबर है। नए साल के पहले सप्ताह तक राजस्थान में बिजली उत्पादन में करीब 1100 मेगावाट की बढ़ोतरी होगी। नए साल पर राजस्थान में बिजली कटौती नहीं हो, इसीलिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम प्रशासन इसके लिए पूरी तैयारियों में जुटा है। निगम CMD RK शर्मा का दावा है कि सूरतगढ़ थर्मल की 660 मेगावाट व 250 मेगावाट की बिजली यूनिट में 31 दिसंबर तक उत्पादन शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से राजस्थान में बार बार बिजली कटौती की मार झेल रहे लोगों को थोड़ी सी राहत मिल सकती है। दरअसल आपको बता दूं, बीते कई दिनों से राजस्थान में लगातार बिजली कटौती हो रही है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा किसान परेशान है, क्योंकि अभी सिंचाई का समय है। बाड़मेर से बड़ी खबर आ रही है, बाड़मेर के बॉर्डर इलाके में हिंदू धार्मिक ग्रंथ की कॉपी जलाने का मामला सामने आया है। इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। घटना 25 दिसंबर की बताई जा रही है। अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है। मामला बाकासर कस्बे का बताया जा रहा है। बाड़मेर SP नरपत सिंह ने बताया है कि 25 दिसंबर को कुछ लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाने का प्रोग्राम रखा था। प्रोग्राम के बाद कुछ लोगों ने हिंदू ग्रंथ की प्रतियां जलाई। इसका वीडियो अब सामने आया था और अब पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आ चुकी है। राजस्थान में सर्दी के तेवर अब तक काफी नरम थे, लेकिन नए साल का वेलकम कड़ाके की सर्दी से होगा। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार 29 दिसंबर से राज्य में एक बार फिर हल्के से तापमान बढ़ेंगे, कोहरे से राहत मिलेगी, लेकिन इसके बाद 4 जनवरी से कड़ाके की सर्दी का अलर्ट मौसम विभाग ने अभी से जारी कर दिया है। इस दौरान कोल्ड डे कंडीशन बनेगी। और आपको बता दूं, राजस्थान में शीत लहर को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। एक और बड़ी खबर, BSF में जाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने हेड कांस्टेबल के पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके तहत बढ़ई, स्टोर कीपर, मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, फिटर, वल्केनाइज ऑपरेटर समेत 254 पदों पर भर्तियां की जाएगी, जिसमें शामिल होने के लिए 10वीं पास कर चुके कैंडिडेट्स BSF की ऑफिशियल वेबसाइट पर 3 जनवरी तक ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स के सिलेक्शन रिटर्न टेस्ट फिजिकल टेस्ट के आधार पर होगा। एक और बड़ी खबर, अगर आपका हेलीकॉप्टर में बैठने का सपना है तो आपका सपना पूरा हो सकता है। हेलीकॉप्टर में बैठ के आप राजस्थान के रेतीले धोरों को आसमान से देख सकते हैं।
देसी विदेशी सैलानी अब जैसलमेर में हेलीकॉप्टर जॉय राइड का लुफ्त उठा सकेंगे। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के तत्वाधान में A1 कंपनी के माध्यम से सम ढाणी जैसलमेर से ट्रायल के तौर पर इस सेवा की शुरुआत की गई है। इस जॉय राइड में एक साथ 6 पैसेंजर बैठेंगे, जिसके लिए 5 मिनट की राइड में 7,000 और 15 मिनट की राइड के लिए 20,000 रुपए का टिकट लिया जाएगा। हालांकि फिलहाल ट्रायल के तौर पर इसका किराया 5,000 रुपए रखा गया है। इसके बाद GST और अन्य टैक्स के साथ एक व्यक्ति की शेयर के लिए 7,000 रुपए का भुगतान करना होगा। हेलीकॉप्टर जॉय राइड जैसलमेर के सम डेजर्ट एरिया में उड़ान भरेगा। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।